वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मियाँ ज़ाकी मैंगो पर दोस्तों अब तक दुनिया में अगर सबसे महंगा मैंगो का कोई फल सेल हुआ है तो वो है मियाँ ज़ाकी जो दो हज़ार डॉलर फी दाना फरोख्त हुआ था मियाँ ज़ाकी के महंगे होने की वजह इसकी ख़ूबसूरत जिल्द और इसका मखसूस जायका है दूसरी चीज़ जो इस आम को इतना महंगा बनाती है वो है इसका मखसूस तरीक़ा काश्त दोस्तों इसको मियाँ शहर में काश्त किया जाता है जहाँ इसे मखसूस दर्जा हरारत पर तैयार किया जाता है इसे एगो एग ऑफ दी सन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तैयारी के लिए इसको सूरज की रोशनी ज़्यादा मुहैया और तेज़ मुहैया की जाती है इसके लिए इस फल के नीचे मखसूस आइने किए जाते हैं जो रोशनी को मुनक़स करके इस आम की तरफ डालते हैं जिससे इस आम की जो जल्द है वो चमकदार और ख़ूबसूरत बनती है लेकिन ख़ुशकस्मती से पाकिस्तान में इस आम को काश्त करने के लिए इस तरह का कोई भी तरीका अपनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे मुल्क की आबो हवा और दर्जा हरारत ख़ास पर जनूबी पंजाब इसके लिए बेहतरीन है मियाँ का रंग सुरख और जामुनी होता है इस आम का वज़न 350 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक चला जाता है जो कि दूसरे आम्बों के ओस से ज़्यादा है दोस्तों इस पौधे की ख़ासियत यह है कि ये पहले साल ही फल उठा लेता है लेकिन पहले साल वाले फूलों को अगर तोड़ दिया जाए तो एक तो पौधा अच्छी नशो नमा करता है और दूसरे साल इस पर पाँच से दस किलो फल भी हासिल किया जा सकता है इसी तरह तीसरे साल और चौथे साल ये एक मन तक चला जाता है लेकिन अगर आपने इसका अच्छा रेट लेना है तो जिस तरह से इसकी काश्त की जाती है कि एक पौधे पे सिर्फ तीन से चार फल रखे जाते हैं और बाकी सब को काट दिया जाता है फल को हैंग कर दिया जाता है इस पर जाली डालकर इसे कवर कर दिया जाता है चंद साल पहले मियाँ जाकी के पौधे सिर्फ मियाँ की जापान में दस्याब थे लेकिन अब हिंदुस्तान बांग्लादेश, थाईलैंड फ़िल्पाइन और अब खुशकिस्मती से पाकिस्तान में भी दस्याब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विलेज ऑर्गेनिक फार्म पर भी इसके पौधे दस्याब हैं दोस्तों मियाँ की आम को मकबूलियत हालिया दौर में मिली लेकिन असल में ये उर्दन आम की एक किस्म है जो 1940 की दहाई में फ्लोरिडा में तैयार की गई थी इसके बाद 1980 की दहाई में चंद जापानी किसानों ने मियाजाकी की काश्त शुरू की और इसे मियाजाकी का नाम दिया क्योंकि जापान में मौजूद एक शहर का नाम मियाजाकी है जहां इस पौधे की काश्त की जाती है मियाजाकी के पौधे को गर्म मौसम बारिश और तवील सूरज की रोशनी दरकार होती है इसकी काश्त अप्रैल और अगस्त के दरमियान में होती है अगर किसी दोस्त को इसके पौधे चाहिए हों तो पौधे हमारे पास दस्याब हैं दोस्तों इसका पौधा महंगा है क्योंकि इसे थाईलैंड से एक्सपोर्ट किया जाता है थाईलैंड से जब हमने ये पौधे मंगवाए तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं अस्सलाम ये देखिए माशाल्लाह जी अमियाज़ाकी आम की सेकंड शिपमेंट आज पहुंची है कुछ डाउन है पौधे ये माशाल्लाह से ना वो पहुंच गया येكله ठीक है दोस्तों यहाँ एक बात आप याद रखें कि लाजमी नहीं है कि अगर ये जापान में इसका एक जो फल है वो पचास डॉलर का है तो पाकिस्तान में भी ये एक निकाऊ का बिल्कुल ऐसा नहीं है बल्कि पाकिस्तान में तो आप पाँच डॉलर का भी सेल नहीं कर सकते लेकिन अगर आप इसकी अच्छी वैल्यू एडिशन करें इसको अच्छे और बेहतरीन तरीके से तैयार करें तो आप हमारे जो बड़े मार्च्स हैं मेट्रो इम्तियाज हैपर स्टार वगैरह के लिए इसे तैयार कर सकते हैं और अच्छी कीमत दे सकते हैं इसके अलावा अगर आप इसे बड़े पैमाने पे, पे काश्त करें इंडिया की तरह जिस तरह के इंडिया के किसानों ने इसे बड़े पैमाने पे, पे काश्त करना शुरू कर दिया है और वो गल्फ़ में इसको एक्सपोर्ट करेंगे इसी तरह हम भी इसको एक्सपोर्ट करके अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं